बता दें कि हार पर बीजेपी एमपी संजय काकड़े का बयान आया है, हिंदुत्व जैसे मुद्दों की वजह से बीजेपी हारी है और असल मुद्दों से बीजेपी जो भटकी है, ये काकड़े का कहना है। और लगातार ये मसले भी बने हुए हैं कि क्या वाकई में जो हिंदुत्व की राजनीति की गई है, सियासत की गई है बीजेपी की तरफ से, क्या उसका खामियाजा देखने को मिला है। तो हार पर बीजेपी के ही एमपी हैं संजय काकड़े, जिनका ये बयान सामने आया है और उनका खुद ये कहना है कि हिंदुत्व जैसे मुद्दों की वजह से बीजेपी की हार हुई है, असल मुद्दों से बीजेपी भटकी, क्योंकि डेवलपमेंट के जिस मुद्दे को लेकर 2014 में नरेंद्र मोदी हुकूमत आई थी, लगा ऐसा था कि एक नया चेहरा सामने आया है, कोई बदलाव आएगा, लेकिन साढ़े चार साल में जो हमने देखा और साढ़े चार साल के बाद जैसे जैसे 2019 का इलेक्शन सामने आ रहा है और असेंबली इलेक्शन सामने आए, डेवलपमेंट बिल्कुल ही गायब हो गया, सिर्फ बात हिंदू और मुस्लिम की गई। क्या नुकसान इससे हुआ स्वदेश जी? ध्यान दिया है, क्या सोच के दिया उस पर विश्लेषण करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक विकास की बात है तो आप ऐसा इनकार नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जो डेवलपमेंट थी मोदी ने जो मुद्दा उठाया था कि डेवलपमेंट का मुद्दा 2014 में, वो शायद भारतीय जनता पक्ष भूल गई है, इसलिए तीन राज्यों में इस तरीके से नतीजे आए हैं, वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। फर्स्ट ये है कि हम जो कास्ट फैक्टर पे जाते हैं, राम मंदिर बनाएंगे, स्टैचू बनाएंगे या नामकरण करेंगे, या परसों भी जैसे कि यूपी के मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर किया कि हनुमान की जात ओबीसी थी, ये हम लोग डेवलपमेंट से भटक गए ऐसा लग रहा है मुझे। और मोदी जी जो है वो डेवलपमेंट पे अगर पक्का हो जाते 14 के जैसे 2019 में भी, तो हमें शायद दिक्कत कम होगी। तो खुद बीजेपी के ही लीडर अब इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से हनुमान जी की कास्ट बताई गई, जिस तरह से अली बजरंगबली की बात कही गई, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात की गई, हिंदुत्व की बात की गई, डेवलपमेंट के जिस मुद्दे से 2014 में आई थी बीजेपी, उससे वो भटक गई, ये खुद बीजेपी के ही एमपी का यहां पर बयान है।